to see the Fortaleza. Yes, right? Yes. Did you say Fortaleza? We are going there. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन. आप सबों का हमारे चैनल नेस्ट पर स्वागत है. अभी हम हैं जोधपुर सिटी में, राजस्थान, वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर सिटी में. और हम आपको आज के ब्लॉग में दिखाने जा रहे हैं जसवंत ठाडा. तो जसवंत ठाडा राजा जसवंत सिंह का जो है सो समाधि स्थल है. तो अभी हम आपको ले चलते हैं जसवंत ठाडा दिखाने के लिए. चलिए हमारे साथ. हमारे सामने आप देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट भी है. हमारे सामने राव जोधा जी का स्मारक भी है, उसको भी हम दिखाएंगे. और इधर देखिए ब्लू सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी कितना अच्छा दिख रहा है. और इधर हम ले चलते हैं आपको अभी ठाडा, जसवंत ठाडा को दिखाने के लिए. हम लोग अभी टिकट ले रहे हैं और इंडियन के लिए 30 रुपीज और इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए 50 रुपीज. गाइड फी वगैरह अलग से है. चलिए टिकट लेते हैं. ले ली टिकट. टिकट ले ली. दिखाइए 30 रुपीज ईच पर्सन. सामने में दिख रहा होगा और बगल में लेक भी है. देखिए लेक देख के तो सविता बहुत खुश हो जाती है. सही में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है. बहुत सुंदर लेक और स्टोन का जो कम्बिनेशन है यहाँ भी बहुत अच्छा है. और हमारे ठीक सामने में दिख रहा है, अब दिखाइए वो दिख रहा है जसवंत ठाडा. बिल्कुल ताजमहल ऐसा है. बिल्कुल बिल्कुल. ये ताजमहल दूसरा ताजमहल है, ये राजस्थान का ताजमहल है. और वही स्टोन यहाँ पर यूज हुआ. चलिए ना डिटेल्स वहाँ दिखलाते हैं. चलिए कितने अच्छा लोग फोक सॉन्ग का आनंद ले रहे हैं. फॉरनर वगैरह तो लाइक तो इस तुम्हें इतना अच्छा यहाँ का. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा नज़ारा है ना. सही बात है. वहाँ के ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा. नहीं वहाँ से कम नहीं है. वही ना. वाह आप जो ये स्मारक देख रहे हैं, यह जसवंत ठाडा जोधपुर का स्मारक है. जसवंत ठाडा के बारे में थोड़ा जानते हैं. जसवंत ठाडा जोधपुर के 33वें राठौर शासक महाराजा थे और जसवंत सिंह द्वितीय के स्मरणोत्सव में निर्मित 19वीं शताब्दी का यह शाही केंद्र है, जिसे महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में निर्माण किया है. देखिए ये राजा जसवंत सिंह की समाधि स्थल है. ये कितनी खूबसूरत है. ये आगरे के ताजमहल जैसा है. इसमें जो स्टोन यूज हुए हैं, जो मटेरियल यूज हुए हैं, प्योर मार्बल है. प्योर मार्बल है इसलिए ये ताजमहल ऐसा लगता है. और इसकी चमक देखिए आज भी वैसे ही दिख रही है. बहुत खूबसूरत है. तो अंदर कैमरा नहीं लगा है, यहाँ से थोड़ा सा हम व्यू दिखा रहे हैं. तो बहुत ऑसम है. और यह मेघ आन फोर्ट
के बिल्कुल पास है, मेहरान फोर्ट के बिल्कुल पास है, और मेहरान फोर्ट के ही आसपास सारे प्लेसेस हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, तो उसमें से एक यशवंत थाड़ा है। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, गार्डन भी इधर है, थोड़ा सा दिखाते हैं। मेहरानगढ़ किले से बाहर निकलने के बाद पैदल चलते हुए आप जसवंत थाड़ा पहुंच सकते हैं। किले के प्रवेश द्वार से इसकी दूरी लगभग कोई 1 किलोमीटर ही है, और अगर आप जोधपुर की सैर को निकले हैं तो जसवंत थाड़ा देखना न भूलें, क्योंकि जसवंत थाड़ा को मारवाड़ का ताज महल कहा जाता है, और इस ताज महल में जो प्योर मार्बल का उपयोग किया गया था, इस स्मारक में भी प्योर मार्बल का यूज किया गया है, और यह जसवंत थाड़ा ताजमहल ऐसा दिखता है, और उसी तरह की यहाँ पर अनुभूति होती है, इसलिए जरूर देखें। मैं एकदम पूरा फोटो मूड में है, इसको हम चारों तरफ से तरफ व्यू दिखाते हैं। यह खूबसूरत इमारत जिसे आप देख रहे हैं, यह सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई एक कलात्मक खूबसूरत इमारत है। इसे बनाने में, तैयार करने में उस समय कुल 284,678 रुपये लगे थे। इस फोर्ट के अंदर भी चलेंगे, कैमरा अलाउ नहीं है। देखिए बाउंड्री, देखिए इसके चारों तरफ बाउंड्री, कितना बड़ा बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं इधर चारों तरफ फोर्ट के चारों तरफ बाउंड्री, बहुत ऊंचा बाउंड्री, और ये कितना ताजमहल की तरह दिखता है, ये दूसरा ताजमहल है, तो ताजमहल से कम नहीं इसकी खूबसूरती आप आंक सकते हैं। तो यहाँ ये मेहरानगढ़, तो जरूर यहाँ आ करके इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, यहाँ काफ़ी आनंद आएगा, काफ़ी शांति महसूस होगी। सही बात है, गर्मी में भी अलग एक इसमें मतलब आनंद आ रहा है, गर्मी के बावजूद भी। इसकी चमक देखिए ना, कितना एकदम ओरिजिनल मार्बल से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। इधर से जोधपुर सिटी भी कोई दिख रही है, कलाकृति को थोड़ा नजदीक से देखिए, आप जो यह खूबसूरत इमारत देख रहे हैं, यह संगमरमर की चादरों से सुसज्जित अद्भुत संरचना दिख रही है। इसमें 3 सेनोटाफ भी हैं जो सिर्फ केवल शाही परिवार के लिए ही आरक्षित है। संगमरमर की चादरें बहुत पतली है, और यह जटिल नक्काशीदार है, और इसलिए कुशल संगमरमर की मूर्तिकला का एक आदर्श चित्रण भी दिख रहा है। स्मारक में कई गुंबद हैं, और इसके शिखर को देखिए, इसके शिखर मंदिर ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके कुछ हिस्से ताजमहल के जैसे हैं, ताजमहल के समान हैं, उसी तरह का यहाँ अनुभूति होता है, इसलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। वाकई में यह बहुत खूबसूरत है, इसे ज़रूर देखने के लिए आना चाहिए, आप इसे महसूस कर पा रहे होइएगा। और चलिए हम इसके अंदर भी आपको लेके चलेंगे, तो जरूर मेरे साथ रहिए। बहुत जबरदस्त व्यू है इसका, यहाँ से लेक कितना खूबसूरत दिख रहा है, और सामने मेहरानगढ़ फोर्ट भी है इस पेड़ के पीछे। हम्म,
चारों तरफ के व्यू को हम एक बार दिखा देते हैं आपको। बहुत बड़ी बाउंड्री है, नक्काशी बहुत सुंदर है इसका। यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहिएगा? हमने तो पहले ताजमहल ही देखे, सुने भी, आज ये देख करके लगता है कि नहीं उसका दूसरा भी है रूप, ताजमहल का दूसरा रूप। ताजमहल ही ऐसा दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो देख के बहुत आनंद आया। और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। और एक चीज देखिएगा कि यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा शांति, पूरे एरिया में बाउंड्री जैसा बना हुआ है, इसके चारों तरफ काफी बड़ा बाउंड्री है, काफी ऊंचा बाउंड्री है, वो बहुत काफी ऊंचा बाउंड्री है, ये तो है ही, बहुत खूबसूरत। इसका चारों तरफ से बाउंड्री जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। अंदर चलना है ना, चलिए। देखिए इस शानदार इमारत के अंदर जोधपुर नरेशों के वंशावलियों के चित्र बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय 1837-1895 की स्मृति में बने इस जसवंत थारे में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनवंत सिंह तक की सफेद पत्थर से निर्मित छतरियां बनी हुई है। साथ ही महारानियों के भी स्मारक देखने लायक है। और एक जो सबसे खास बात है वह आपको हम बता देना चाहते हैं, जो इस स्मारक की सबसे खास है कि जोधपुर राजघराना सूर्यवंशी रहा है। संगमरमर निर्मित जसवंत थाड़े में सूर्य की दिव्य किरणें पत्थर को चीरती हुई अंदर तक आती है, जो नेत्र रंजक दृश्य नजर आता है। इसे शायद आप अनुभव किए होंगे। इसका गार्डन एरिया है, इसका गार्डन एरिया देख रहे हैं। गार्डन बहुत खूबसूरत है ना, शांति कितना लग रहा है वही ना, गर्मी इतना है लेकिन फिर भी यहाँ उस तरह से गर्मी नहीं लग रहा है। हाँ, ये मार्बल की वजह से यहाँ पर ठंडा महसूस हो रहा है और शांति इतनी लग रही है, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। ताजमहल को देख के ही बॉडी में एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गया और ठंडक महसूस हो रहा है। ठंडक महसूस हो रहा है, ताजमहल नहीं है, ताजमहल का दूसरा रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, और ताजमहल ही ऐसा दिखता है, और इसलिए ताजमहल ही ऐसा दिखता है क्योंकि इसमें जो मटेरियल्स यूज हुए हैं वो प्योर मार्बल्स के यूज हुए हैं, और वही भी है जो ताजमहल में यूज हुआ था। तो ये एक ताजमहल, दूसरा ताजमहल है राजस्थान का। What's your name, ma'am? Jessica. In which country do you belong? Yes, from Mexico. Very, very good, nice country. And how are you thinking in India, touring? It's a really nice place. We are discovering too much culture that we don't know. And we are really glad to be here. Rajasthan is historical places. You are watching? No. She's a very famous artist from Mexico. Oh, very nice. This time in the state of India. Soap opera. We are in Rajasthan. No, I'm not going. This is Rajasthan state. You are in Rajasthan. Yes. You are in Rajasthan yes. state. And Rajasthan state is historical places. Okay. But it's really nice. We are right now going to... I'm the manager. to see the Fortaleza. Yes, I think you say Fortaleza, we are going there. Thank you. Ma'am. Nice meeting. You are really, really pretty. Thank you. Very, very nice country. So, friends, आज का ये ब्लॉग था जसवंत थाड़ा, और जसवंत थाड़ा समाधि स्थल है,
और ये बिल्कुल ताजमहल ऐसा दिखता है। तो हम लोग आपको आज इस कंटेंट को दिखाने का कोशिश किए हैं, तो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। और फिर एक से एक ब्लॉग राजस्थान में और भी ब्लॉग सब आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक एक ब्लॉग को ज्वाइन कीजिएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।